सबसे पहले तो मैं सिल्क टीम को धन्यवाद देता हूँ और मेरा नाम डॉक्टर शहजाद आलम हुआ। मैं पेशे से क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 10 ईयर्स का मुझे जो कार्डियक फील्ड में जो अनुभव है मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा शॉर्ट टाइम में। आपका क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है कि इंडिया में जो केसेस बढ़ रहे हैं ये बहुत ही रिमार्केबल वर्ड्स हैं, बढ़ रहे हैं, ये हम लोगों को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक हम समझेंगे नहीं तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रीवेलेंस तो और इंसिडेंस। तो जो हमारे इंडिया में जो रेशियो है हार्ट अटैक का, मतलब हार्ट अटैक से जो मरीज मर रहे हैं, तो व्हाट इज द रेशियो, तो मोर्टेलिटी रेट, तो मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया इज 1:4 और वेस्टर्न सॉरी इन इंडिया इज दिस इज 1:3 एंड अमेरिका में 1:4 है। इसका मतलब ये समझिए कि इंडिया में हर तीसरा आदमी को हार्ट अटैक हो रहा है और अमेरिका में हर चौथा आदमी को हो रहा है। तो इंडिया में हार्ट अटैक ज्यादा तेज से बढ़ रहा है, हार्ट अटैक की परेशानी लोगों को बढ़ रही है और उसके पीछे कुछ कारण हैं। एक तो हम लोगों का जो बनावट है, जो नसें होती है, पैदाइशी जो नसों का जो डायमीटर है या फिर उसका जो नली का साइज समझिए, जिसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। कोरोनरी आर्टरी क्या होता है, जो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करता है, ये जो लाल रंग की नसें देख रहे हैं इसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। तो दो मेन नस होता है और उसी से हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई मिलता है, उसको गजा मिलता है, उसको खुराक मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो उसकी नसों में कोलेस्ट्रोल का जम जाना और वही चर्बी के जम जाने के वजह से जिस हिस्से में ब्लड का सप्लाई नहीं मिलना और नहीं मिलने के वजह से हार्ट का मसल डैमेज होता है और उसी को हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। तो सबसे पहली बात ये समझिए कि हार्ट अटैक है क्या चीज। हार्ट अटैक मैंने बताया कि हार्ट अटैक जो है कोलेस्ट्रोल का जम जाना, नसों में ब्लॉकेज हो जाना। ये होता क्यों है, तो इसके पीछे 3-4 कारण है। एक तो रिस्क फैक्टर हो गया। जो रिस्क फैक्टर है जैसे कि अगर पहले से किसी को हार्ट में पूरे परिवार में परेशानी है तो एक फैमिली हिस्ट्री हो गया। दूसरा जो है हमारा लाइफ स्टाइल, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल मीन्स हम लोग सोफा पे बैठ के खाना खाते हैं और वहीं पे टीवी देखते हैं और वहीं पे सो जाते हैं। दिस इज सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। नहीं, क्योंकि हमारे गजा को मेटाबोलाइज नहीं हो पाता, वो सिर्फ स्टोर हो जाता है। एक ये रिस्क फैक्टर हो गया। दूसरा रिस्क फैक्टर है डायबिटीज और तीसरा है डाइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही 2-4 चीज हैं जो रिस्क फैक्टर्स हैं। और अदर रिस्क फैक्टर्स में हमारा आता है जो हमारा जैसे स्मोकिंग हो गया, टोबैको च्यूइंग हो गया, ये सारे एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स हैं जो हार्ट अटैक को इंसिडेंस को बढ़ाता है और आपको हार्ट अटैक होने का संभावना ज्यादा से ज्यादा है। और इससे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये समझना है कि हार्ट अटैक को पहचानना सबसे इम्पोर्टेंट है कि हार्ट अटैक को हम कैसे पहचान जाएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ हार्ट अटैक। तो अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ हार्ट अटैक के 4-5 लक्षण हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर जब भी किसी आदमी को हार्ट अटैक होगा तो हमको सीने में दर्द महसूस होगा, सीने में प्रेशर महसूस होगा, भारीपन महसूस होगा। अगर भारीपन महसूस अगर हो रहा है आप उसको प्लीज इग्नोर ना कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लक्षण है। भारीपन होना, सीने में दर्द होना, प्रेशर होना, दबाव होना, गर्दन में दर्द होना, कंधे में बाईं तरफ दर्द होना और ये दर्द जो है हमारी बाईं उंगली तक आना, अगर यहां तक दर्द आ रहा है इसका मतलब ये समझिए कि आपका दर्द जो है हार्ट अटैक की वजह से आ रहा है, ना कि गैस की वजह से आ रहा है। कभी कभी गैस के वजह से सीने में जलन और दर्द हो सकता है, लेकिन इसका सारा ये मतलब नहीं होगा कि सिर्फ गैस के वजह से ही आपका सीने में दर्द हो रहा है। और हमारे यहाँ इंडिया में जो हम देखते हैं पेशेंट आता है, हार्ट अटैक हो रहा होता है, चल फिर के आता है, जब हम उसका ECG करते हैं तो वो हार्ट अटैक में चल रहा होता है, तो उसको हम बताते हैं कि आप अपने हार्ट के अंदर टाइम बॉम्ब फिट करके घूम रहे हैं। जब तक नहीं ब्लास्ट हुआ है तब तक आप चल फिर रहे हैं। जैसे ही अगर वो नसें बंद हो जाएगी, ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा, हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा, VTVF होगा, सडन डेथ हो जाएगा, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, यूजलेस, आप कहीं नहीं जा पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट हम टिप्स बता रहे हैं इसके निदान। निदान में सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको कभी भी इस तरह का लक्षण होता है तो सबसे पहला काम कीजिए कि नियरेस्ट हॉस्पिटल चले जाइए, वहां पर जाकर के आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए, अगर कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है तो जनरल फिजिशियन से मिलिए
और वहां पे उनसे परामर्श करके ईसीजी कराइए, उसे डिटेक्ट हो जाएगा। और आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना है, डेली ब्रिस्क वॉक करना है, मतलब उतना ही चहलकदमी करना है जितना आप चल सकते हैं, इसी का मतलब होता है ब्रिस्क वॉक। ये नहीं कि हम मैराथन दौड़ लगा दिए, जरूरत से ज्यादा चलिए, उतना नहीं। ब्रिस्क वॉक डेली करना है, लाइट एक्सरसाइज करना है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, और डाइट, डाइट में आपको शुगर को नो कर दीजिए, और फैटी फूड्स, ऑयली स्पाइसी, लेस सॉल्ट इनटेक, ये सारी चीज हैं जिसको आपको चेंज करना है। सीपीआर सर क्या होता है? सर सीपीआर एक कार्डियो पल्मोनरी रिसस्किटेशन शब्द है। जब भी किसी पेशेंट का अचानक से किसी भी कारण सांस रुक जाता है या हार्ट रुक जाता है, मरीज बेहोश हो जाता है, तो हम उसको कार्डियक मसाज करते हैं। जैसे हार्ट रुक जाता है तो हम लोग उसको मसाज करके दोबारा से चालू करने को हम लोग सीपीआर बोलते हैं। तो ये सीपीआर का नौबत ना आए इसके लिए आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास पहुंचना पड़ेगा। अभी वेस्टर्न कंट्रीज में क्या हो रहा है, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डिपार्टमेंट ऑफ नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी का एक विंग है, जो हम लोग नॉन इन्वेसिव प्रैक्टिस करते हैं। नॉन इन्वेसिव में आपको प्रिवेंट योर हार्ट बिफोर इट डैमेज, ये मेरा भी स्लोगन है और हमने कई अपने सीनियर से भी सीखा है कि प्रिवेंट योर हार्ट बिफोर इट डैमेज। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने हार्ट को डैमेज होने ना दीजिए। तो डैमेज होने के लिए क्या चाहिए, रिस्क फैक्टर, नंबर वन स्मोकिंग, तो स्मोकिंग को कट कीजिए। नंबर टू डाइट, डाइट में आप जो है घी नहीं खाइए, तेल मत खाइए, ऑयली स्पाइसी मत खाइए, ये सारी चीजों। नंबर फोर आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, ये सब चीजों से लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, इससे आपकी चीजें जो है आपका रिस्क कम होगा। जब रिस्क कम होगा इंसिडेंस कम होगा। दूसरी चीज, अगर आपको कोई कॉन्जेनाइटल डिजीज है या फैमिलियल हिस्ट्री है डायबिटीज का, तो दैट मीन्स यू आर मोर प्रोन टू हैविंग हार्ट अटैक। आपको अगर डायबिटीज है तो आप एक रिस्क फैक्टर आप लेके घूम रहे हैं, फैमिली को रिस्क फैक्टर लेके घूम रहे हैं, तो इसके लिए आपको जो है डायबिटीज को कंट्रोल करना होगा। डायबिटीज को एकदम कंट्रोल में रखिए और डायबिटीज को बढ़ने मत दीजिए, क्योंकि डायबिटीज जो है अगर आपको है तो उसके लिए एक शब्द हम लोग यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं साइलेंट किलर। तो डायबिटीज हिमसेल्फ इटसेल्फ साइलेंट किलर बोला जाता है, इसलिए कि जब शुगर का लेवल हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा या नॉर्मल रेंज से ज्यादा रहता है विदाउट ट्रीटमेंट, और आफ्टर ट्रीटमेंट भी अगर शुगर लेवल हाई रहता है, तो हमारी नसों को कमजोर कर देती है। हमारी नसें क्या होती है, जो हमें दर्द होता है तो हार्ट की मांसपेशियों से नसें जो निकलती हैं और उससे हमको दर्द महसूस होता है कि मसल्स डैमेज हुआ। ये जो मसल्स देख रहे हैं, अगर इसको ब्लड सप्लाई कम मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स कम मिलेगा, तो ये डैमेज होगा। ये डैमेज होगा तो इसके जो नर्व एंडिंग्स हैं उससे हमको महसूस होगा सीने में दर्द हो रहा है। इसके अंदर से फिर हार्मोन निकलेगा जिसको हम ट्रोपनिन निकलेगा, और ट्रोपनिन जैसे ही ब्लड में आता है वही हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पे ट्रोपनिन टी टेस्ट करते हैं, देखते हैं अगर ट्रोपनिन पॉजिटिव है इसका मतलब हार्ट अटैक है। ईसीजी वाज नॉर्मल, ईसीजी नॉर्मल था, इको नॉर्मल था, लेकिन ट्रोपनिन क्या नॉर्मल एबनॉर्मल आया, पॉजिटिव आया, तो आपको इमीडिएट वे करना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कितना जल्दी आप हॉस्पिटल रश करते हैं, क्योंकि हम लोग जो ट्रीट करते हैं थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स यूज करते हैं, जो खून पतला करने का दवाई है, तो उसका जो गाइडलाइन कहता है डोर टू नीडल टाइम इज 30 मिनट्स, कि आधे घंटे के अंदर आपने अगर खून पतला करने का इंजेक्शन लगा दिया तो उसकी नसों की जो ब्लॉकेज है उसका थक्का को चूर चूर करके उसको पिघल दिया जाएगा और उसकी जान बच सकती है। दूसरा चीज, अगर एंजियोप्लास्टी हो रही है हमारे शहर में है, अगर नियरेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट इंटरवेंशन है आपके घर के पास, तो इमीडिएट उसको प्राइमरी पीटीसीए करवाइए, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कराइए, ताकि इमीडिएट नस को खोला जाए और मसल्स जो है डैमेज होने से बच जाए, जो बाहरी नसों में जहां भी ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज खुल जाए। ये इसका ट्रीटमेंट मॉडलिटीज है, तो ये डिपेंड्स करता है किस शहर में है, कितना रिमोट एरिया में है। अगर रिमोट एरिया में है तो थ्रोम्बोलाइसिस कीजिए, अगर एडवांस सिटी में है जहां पे एंजियोप्लास्टी हो रही है तो इमीडिएट आप एंजियोप्लास्टी कराइए, प्राइमरी पीटीसीए कराइए। आम लोगों से क्या कहेंगे संक्षेप में सर? बिल्कुल, आप लोगों से संक्षेप में यही करेंगे, प्रिवेंट योर हार्ट बिफोर इट डैमेज। अगर आपको बीपी है, अगर आपको शुगर है, अगर आपको थायराइड है, आपको रिस्क फैक्टर है, आप रिस्क फैक्टर लेके घूम रहे हैं, आप उसके लिए टेस्ट कराइए। हम एक ही टेस्ट का नाम बोलेंगे, आपको बीमारी हो या ना हो,
आप साल में अगर उम्र आपका 40-45 से ज्यादा है और रिस्क फैक्टर है जैसे डायबिटीज, जैसे हाइपरटेंशन, अगर दो रिस्क फैक्टर है तो आप जो है ईसीजी कराइए, इको कराइए और ट्रेडमिल टेस्ट कराइए। ट्रेडमिल टेस्ट वो टेस्ट होता है जब आपको ईसीजी मशीन लीड पे लगाया जाता है और मशीन पे दौड़ाया जाता है। उस पर हम लोग देखते हैं जब हार्ट को स्ट्रेस मिलता है उस वक्त हमारा ईसीजी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर वो एबनॉर्मल है इसका मतलब है आपको हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। अगर वो टीएमटी नेगेटिव है इसका मतलब है कि नेक्स्ट 5 ईयर में आपको हार्ट अटैक नहीं होगा और रिस्क कम है 5 साल के लिए। लेकिन आप हर साल टीएमटी कराइए, हर साल इको कराइए, हर साल ईसीजी कराइए। ये 3 हार्ट के टेस्ट हैं जिससे आपको क्लियरली पता चलेगा अभी आपको हार्ट अटैक है या नहीं है, फ्यूचर में हार्ट अटैक आएगा या नहीं आएगा। ये 3 टेस्ट से आपको पता चलेगा। अगर हाइपरटेंशन है तो कोलेस्ट्रॉल भी आप अपना चेक कराते रहिए, अगर डायबिटीज है तो फास्टिंग पीपी कराइए, और डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है HbA1c भी टेस्ट कराइए जो एवरेज 3 मंथ्स का शुगर लेवल बताएगा। तो ये सारी चीजें जो है संभव तभी है जब आप किसी डॉक्टर के पास कंसल्ट कीजिएगा। तो ओवरऑल मेरा कंक्लूजन फिर से वही रहेगा, प्रिवेंट योर हार्ट बिफोर इट डैमेज। थैंक यू सर।